तो हमने डैम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे जो है बांध के उद्देश्य, जो बांध बनाने का उद्देश्य क्या, इसके बारे में हमने जो है कल बात किया था। तो बताया था इसमें जो है कि बांध किस उद्देश्य से आपको मेनली बनाया जाता है। पहला आपका जल भंडारण, इसमें हम स्टोर करते हैं वाटर को, जो रिजर्वायर बनता है डैम के दीवार के पीछे, रिजर्वायर में हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं टू इरिगेट द क्रॉप, मतलब पानी देने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही जो है हम वाटर को कंजर्व करके रख लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट था आपका पन विद्युत उत्पादन, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। अगर आपका जो है बांध बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा, हाइट ऑफ वाटर जो है, जो प्रति प्रवाह है उस बांध का, वहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम आसानी से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, टर्बाइन को चलाकर। इसके अलावा बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ का नियंत्रण मतलब क्या, जो हम दीवार बना रहे हैं उसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ के समय में जो अतिरिक्त पानी आता है, ठीक है, अफवाह का जो जल आता है नदियों में, उस पानी को भी क्या कर सकते हैं, हम इजिली उससे हम बच सकते हैं। जो बाढ़ का पानी है आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं लगने पाता है, क्यों, क्योंकि रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या होती है, बाढ़ के पानी को भी कुछ हिस्से तक क्या करता है, वो अपने में जो है स्टोर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य पालन का ये बताया था मैंने कि जो है जो रिजर्वायर होता है वहां पर क्या होता है, मछलियां भी पानी के साथ बह के आती है, तो वहां पर क्या होता है, मछली जो है उत्पादन के लिए भी अच्छा होता है। अब इसके अलावा मनोरंजन स्थल हो जाता है, ठीक है, घूमने फिरने का एक स्थान बन जाता है, अगर आपका जलाशय है वहां पे नौका चलने की व्यवस्था हो तो क्या होगा, वहां पे मनोरंजन स्थल बन जाता है। अब जो हम बांध बनाएंगे उसके लिए कौन कौन से स्थान हम चयन करेंगे, किस तरह के स्थान होने चाहिए जहाँ पर हम बांध का निर्माण, अगर हमें कोई बांध का निर्माण करना हो तो हमें वो स्थान कौन सा चुनना है, इसके बारे में सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए डैम। पहला पॉइंट है आपका नदी की चौड़ाई। मैंने बताया था कि नदी की चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, जहां पर जो है नदी का वह भाग जहां पर उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, न्यूनतम हो, उस जगह पर जो अब जब हम कोई डैम बनाते हैं तो क्या होता है, उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि दीवार की चौड़ाई कम बनानी पड़ेगी ऐसे सेक्शन पे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपका एक नदी कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, नदी मान लीजिए कुछ इस तरह से आ रहा है, फिर यहाँ पे जाके आगे इस तरह से होगा, तो हम जो नदी की चौड़ाई चुनेंगे दीवार बनाने के लिए, कौन सा पॉइंट होगा, न्यूनतम जहां पर क्रॉस सेक्शन होगा वहां पर हम क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे। अब यहाँ पर बनाने का फायदा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस दीवार की क्या होगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है सुदृढ़ आहार आधार, ठीक है, सुदृढ़ आधार से क्या पर्पज है इसका, कि जो हम बेस चुनेंगे फाउंडेशन बनाने के लिए, दीवार को खड़ी करनी है अगर, तो उसका आधार क्या होना चाहिए, जिस मिट्टी पे हम बना रहे हैं वो मिट्टी क्या हो, इतनी कैपेबल हो कि उसके भार को बियर कर पाए और कोई किसी प्रकार का सेटलमेंट ना हो। तो हमें जो स्थान चुनना है वहां की मृदा क्या हो, उसकी धारण क्षमता जो है अधिक होनी चाहिए, ताकि उस पे आने वाला जो भार है उस दीवार की वजह से उसको वो बियर कर पाए, निर्माण पदार्थ की उपलब्धता। तो हम जहां भी बांध बनाते हैं वहां पर निर्माण पदार्थ जो है हमें क्या हो, इस तरह से रखना है कि हमें जो है लोकल पदार्थ एक तो मिल जाए और वहां पे परिवहन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सामान को ले आने और ले जाने में किसी भी प्रकार की कोई जो है समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल पदार्थ की व्यवस्था करेंगे। तीसरा आपका चौथा पॉइंट क्या है आपका, पहुंच। पहुंच से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हम जो बांध बना रहे हैं वो बांध स्थल जो है इजी में आसानी से आवागमन के लिए जो है अवेलेबल हो, वहां पे कोई गाड़ी आने जाने में या कोई भी जो यातायात के साधन है वो आसानी से जो है सामग्री लेकर आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उत्पन्न न हो बीच में, ठीक है, विवाद रहित क्षेत्र। जहां पर हम बांध या रिजर्वायर बनाने जा रहे हैं, इस बात का हमें बनाते समय ध्यान रखना है कि वहां पर जो लोकल बॉडीज है, जो वहां के किसान है, जो आप जमीन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जमीन होती है, तो क्या हो, वो पहले ही जो है ये बता दिया जाए उनको कि आपकी ये जमीन है जहां पर हम ये डैम बनाने जा रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ठीक है, कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ताकि बांध का कार्य जो है बीच में रुक जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आवासीय सुविधा, तो जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम मटेरियल स्टोर करते हैं और वहां पर जो काम करने वाले लेबर है, चाहे उसके इंजीनियर है, उनको रहने के लिए भी क्या करते हैं, हम उचित व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आवास का निर्माण करेंगे, ताकि जो अभियंता है या श्रमिक है उनको रहने की उचित व्यवस्था प्राप्त हो सके। अब इसके अलावा आपका जो है स्थलाकृति है, ठीक है, जो जहां पर भी आप निर्माण कर रहे हैं बांध का, वहां पर क्या हो, अच्छा खासा स्थान होना चाहिए, वहां की टोपोग्राफी इस तरह की होनी चाहिए कि वहां पर आवास के लिए, चाहे मटेरियल को रखने के लिए, ठीक है,
और जो आपकी पूरी डैम की कंस्ट्रक्शन है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो और व्यवस्था जो है अच्छे से हो और जो जलाशय की क्षमता हो क्या हो वहाँ पूरा जो है जनरेट हो सके। वो डिजाइन ही इस तरह से, जैसे हमें जो स्थलाकृति की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे वैली टाइप से। ये मान लीजिए आपका एक नदी आ रहा है, ठीक है, तो नदी कुछ इस तरह से हमें क्रॉस सेक्शन मिलना चाहिए और टोपोग्राफी कुछ इस तरह से हो कि यहाँ पे इजिली क्या हो उस दीवार को बनाई जा सके। टोपोग्राफी कुछ इस तरह की अगर हमें बनावट मिल जा रही है कहीं पे तो हमें आसानी से क्या हो ऐसे स्थान पर हम कुछ जो है निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका है बांधों का वर्गीकरण है, ठीक है, कि हम बांध का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बांध के वर्गीकरण के लिए जो है यहाँ पर कुछ बेस दिए गए हैं जिसके आधार पर बांध का वर्गीकरण। पहला है आपका निर्माण पदार्थ के आधार पर, ठीक है, निर्माण पदार्थ के आधार पर। दूसरा है आपका प्रकार के आधार पर यानी कि उनके फंक्शन के आधार पर। तीसरा है जल दाब रोधन के आधार पर। चौथा है प्रवाह के आधार पर। पांचवा है दृढ़ता के आधार पर। छठवां है ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे जो है तो दूसरा अब हो गया यहाँ पे इसमें निर्माण पदार्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो निर्माण पदार्थ के आधार पर कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया है, सात भागों में। पहला टाइप आपका मृदा बांध, दूसरा है पत्थर भराई बांध, तीसरा है मृदा पत्थर भराई बांध, चौथा है आपका चिनाई का बांध, पांचवा है कंक्रीट का बांध, छठवां है इस्पात का बांध और सातवां क्या है आपका प्रकाष्ठ का बांध, ठीक है, यानी कि लकड़ी। तो ये जो है सात प्रकार के बांध है जिनको निर्माण के आधार पे, निर्माण पदार्थ के आधार पे जो है वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद जो है फंक्शनल के आधार पे, पहला है संचायक बांध, दूसरा है मोड़ बांध, तीसरा है क्या आपका रूप बांध, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के बांध है। अब इसके अलावा अगला पॉइंट आपका जो है जल रोधन के आधार पर देख लेते हैं वर्गीकरण इसका। तो जल रोधन के आधार पर क्या होगा, गुरुत्वीय बांध पहला होता है जिसको ग्रेविटी डैम कहते हैं, दूसरा आपका है डॉट बांध जिसके आर्च डैम कहते हैं, तीसरा आपका पुस्ता बांध जिसे बटरेस डैम कहते हैं। अब प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो पहला आपका परिवाह बांध या बंधारा या उत्प्लावी बांध जिसे ओवरफ्लो डैम कहते हैं, दूसरा आपका अपरिवाह बांध या अनुत्प्लावी बांध जिसे कहते हैं हम क्या नॉन ओवरफ्लो डैम, ठीक है। अब दृढ़ता के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है यहाँ पर, दृढ़ता के आधार पर हम डिवाइड कर लेते हैं कितने प्रकार का होता है। पहला आपका दृढ़ता के आधार पर दृढ़ बांध, दूसरा है आपका लचीली बांध या फ्लेक्सिबल बांध, ठीक है। अब बाराश्रित बांध के जो है आपके यहाँ पे जो सिलेबस में आपको दिया गया है उसमें जो है आपको मेनली दिया गया है बाराश्रित बांध, ठीक है, या गुरुत्वीय बांध। तो अब इसको देख लेते हैं क्या होता है बाराश्रित बांध। जो आपका देखिए ग्रेविटी डैम क्या होता है, गुरुत्वीय बांध क्या होता है या भार आश्रित बांध, नाम से पता चल रहा है भार पे आश्रित बांध। तो कुछ ऐसा डैम जो अपने भार के कारण अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। हम ऐसा डैम बनाए अगर जो स्वयं के भार के कारण अपने सेल्फ वेट के कारण वो अपने आप को स्टेबल रख पाता है तो कहलाता है भार आश्रित बांध या ग्रेविटी डैम। अब जो भार आश्रित बांध होता है उसमें कितने प्रकार के जो है दाब कार्य करते हैं उसको देख लेते हैं। पहला आपका है जल दाब, यानी कि जो बांध की दीवार होगी उस दीवार के पीछे जो पानी जिस तल तक भरेगा उस तल तक पानी भरने से क्या होगा, ये दीवार की पानी जो है दीवार के बांध की दीवार पे क्या करेगा अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब उस प्रेशर से क्या होगा, ये इसको ढकेलने का प्रयास करेगा, ये जो होता है आपका जल दाब होता है। दूसरा होता है वायु दाब जो एयर प्रेशर कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा सिल्ट दाब जो सिल्ट इकट्ठा होंगे वो भी प्रेशर लगाते हैं। चौथा क्या होता है वेव प्रेशर या तरंग दाब होता है। ये मेनली चार प्रकार के दाब होते हैं जो किसी भी बांध के जो भारत बांध है जो अपने सेल्फ वेट की वजह से रुका हुआ है वो अपने जो है सेल्फ वेट की वजह से रुका हुआ है उस पर जो है ये भार काम करते हैं, ठीक है। अब जो है इनमें से जितने भी दाब है इन सभी दाबों में जो जल दाब है वो सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली होता है, सबसे ज्यादा जो है अधिक जो है इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो जल दाब है वो जल दाब हमेशा क्या करेगा उस बांध को जो है हमेशा आगे की तरफ ढकेलने का प्रयास करेगा, पानी जो है आगे निकलने का प्रयास करता है। इसके लिए क्या करता है वो उस बांध की दीवार पर जो है प्रेशर लगाता है, लेकिन वो दीवार हमें इस तरह से मेंटेन रखनी है, इस तरह से बनानी है कि किसी भी प्रकार का कोई क्या हो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो उस दीवार में, वो अपने सेल्फ वेट की वजह से क्या हो स्टेबल हमेशा जो है बना, ठीक है। अब उसके बाद जो इसकी परिच्छेद को हम बात करें, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसके पहले, यदि बांध स्थल की भूमि मजबूत और कठोर हो तो बांध को इच्छा अनुसार ऊंचाई तक, देखिए जो आपकी ऊंचाई की बात है यहाँ पर बांध की कितनी ऊंचाई तक ले जानी वो डिपेंड करेगा कि जहां पर हम बांध बना रहे हैं उसकी सॉइल कैसी है, वहां का आधार कैसा है,
अगर वहां का आधार इतना मजबूत है कि उसके बांध को बांध की दीवार पे भार को वो जो है सहन कर ले रहा है और उसकी वजह से कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, वहां की मिट्टी बैठ नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर हम बांध की दीवार को क्या करें, इच्छा अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से भी ज्यादा जो है ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो बांध की ऊंचाई को प्रभावित करेगा। बांध की ऊंचाई को जब कम रखेंगे तो क्या होगा, रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा जो है मात्रा में पानी इकट्ठा हो पाएगा, और जितना ही कम ऊंचाई होगी बांध की दीवार की उतना ही कम मात्रा में क्या होगा, पानी इकट्ठा हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है सैद्धांतिक परिच्छेद की अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल सेक्शन, तो बांध के अपस्ट्रीम तथा देखिए जो आपका बांध का ये क्रिटिकल सेक्शन है, आपका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है इसको, ठीक है, सैद्धांतिक परिच्छेद जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको यहाँ पर जो है आपका जो वाटर होगा उस वाटर का जो प्रेशर होगा उसको यहाँ पर पी से प्रदर्शित किया गया है, और ये जो लगता है आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये बांध है, बांध की दीवार है। ठीक है, इस बांध की दीवार पर क्या करेगा, ये जो वाटर प्रेशर है वो क्या करेगा, वाटर प्रेशर अपना अप्लाई करेगा। अब जब इसको प्रेशर लगाएगा तो क्या करेगा, दीवार को आगे की तरफ खिसकाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये जो बांध है अपने सेल्फ वेट यहाँ पे जो W है उसकी वजह से ये क्या हुआ है, टिका हुआ है। जब तक इस W का मान इस प्रेशर से ज्यादा होगा तब तक ये बांध क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे ही इस W का मान जो है, और धीरे धीरे क्या होता है, अगर बांध में पानी भरता रह जाए तो पी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर किसी कारणवश पी का मान ज्यादा हो गया और W क्या होगा, कम, W जो है जो कि फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या हो, अगर वो वहीं पे स्टेबल रहे तो पी का मान बढ़ता रहे, क्या होगा, वो बांध जो है क्या होगा, फेल कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वाटर का, वो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को हम हमेशा जो है स्टोर करने का प्रयास करते हैं, कंजर्व रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाढ़ के समय में क्या होता है, ये सरचार्ज वाटर जो है बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बांध की दीवार पर प्रेशर जो है बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने का प्रयास करता है। ठीक है, जो कि किसी भी बांध की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। तो मैंने बताया आपको जो है यहाँ पर जो बांध की ऊंचाई है दीवार की वो आपकी कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है, या कह सकते हैं आप वाटर की गहराई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि शीर्ष से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है क्या है, आपकी कैपिटल एच है, और जो दीवार पे प्रेशर लगाया जा रहा है वाटर के द्वारा कितना है, कैपिटल पी है। तो दोनों मिलाकर जो आपका प्रेशर टोटल होगा, देखिए जो प्रेशर लगाया गया है क्या लगाया गया, आगे की तरफ जो है क्षैतिज लगाया जाता है, और जो सेल्फ वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड। इन दोनों का जो क्रियात्मक रूप है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर दिखाया गया है, रिजल्टेंट होता है जो कि होता है क्या, बी बाय थ्री डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों में जो संबंध स्थापित होगा ड्राइव करने पर वो वैल्यू आएगी आपकी दोनों में, बी और एच में। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू कैपिटल एच बाई रूट पे रो, अंडर रूट रो, जहां पर रो क्या है आपका, रो है आपका पदार्थ का घनत्व। जो बांध बनाने में जो हम प्रयुक्त पदार्थ प्रयुक्त किए हैं, जैसे आपका जो भी मटेरियल होगा, चाहे वो आपका मिट्टी हो सकता है, चाहे वो कंक्रीट हो सकता है, तो उसका क्या होगा, वो घनत्व होगा। तो यहाँ से अगर जो है दिए गए मटेरियल का घनत्व दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से घनत्व हुए, घनत्व अंडर रूट रो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अगर कैपिटल एच को, तो हमारा भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका बी है वो क्या है, आपका आधार है, उस पूरे बेस है डैम की दीवार का, और कैपिटल एच क्या है आपका, डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, इन ए डैम, तो किसी भी डैम में जिस गहराई पर पानी भरा रहता है, ठीक है, तो उससे उसकी क्या निकाल लेंगे हम, चौड़ाई है, चौड़ाई दिया रहेगा तो उससे हम डेप्थ ऑफ वाटर जो आसानी से सिमुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। फार्मूला है आपका बी इक्वल टू कैपिटल एच अपन अंडर रूट रो। ठीक है, यहाँ से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। अब इसके बाद बात करें व्यवहारिक परिच्छेद की, तो कभी भी हम जो डैम बनाते हैं उसमें जो है डैम बनाने जो होता है आपको मेनली जो है एक सामान्य जल तल के लिए हम बनाते हैं, जहां पे पानी हमें अभिकल्पित करते हैं वो पानी वो अब्लिक थ्योरी होता है। ठीक है, तो अब्लिक थ्योरी के अनुसार जो है इसको हम डैम के सेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो अब जब डैम सेक्शन डिजाइन करते हैं तो मेनली हमारा एक पर्पज होता है कि एक लिमिट तक हम क्या करें, पानी को स्टोर करें। ठीक है, एक निश्चित जल तक हम पानी स्टोर करते हैं। लेकिन क्या होता है, बारिश के समय में बाढ़ का जो है पानी भी क्या होता है, रिजर्वायर में आना शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का तल है वो उच्च बाढ़ तल तक चला जाता है। ठीक है, अब उच्च बाढ़ तल को ध्यान में रखते हुए हम डैम की जो दीवार है उसको क्या करेंगे, हम कुछ अतिरिक्त जो है ऊंचाई तक देते हैं। ठीक है, उसको कुछ अतिरिक्त ऊंचाई हम दे देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बांध की दीवार क्या करेगी,
कुछ अतिरिक्त शीर्ष मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाढ़ का पानी जो है ओवरफ्लो नहीं होने पाता। ठीक है, तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 1.5 से 2 मीटर तक हम क्या करते हैं, बांध की दीवार को अतिरिक्त जो है बाढ़ तल से ऊपर रखते हैं, ताकि पानी ओवरफ्लो कर न जाने पाए और बांध जो है क्या होगा, फेल ना होने पाए। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब जो ऊपर की चौड़ाई है, टॉप विड्थ है, उसको हम कितना रखते हैं, ब्लिक थ्योरी के अनुसार शिखर की चौड़ाई अगर यहाँ पे स्माल ए मानते हैं, तो स्माल इज इक्वल टू का 10.552 अंडर रूट कैपिटल एच होगा। ठीक है, यहाँ से ये भी संबंध आप याद रखिएगा, शीर्ष की चौड़ाई का फार्मूला होता है स्माल ए इक्वल टू 10.552 अंडर रूट एच। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका अगला है मृदा बांध। तो मृदा बांध आपके सिलेबस में दिया हुआ है अर्थेन डैम। ठीक है, अर्थेन डैम क्या होता है आपका, जब भी हम किसी मृदा का प्रयोग करके, मिट्टी का प्रयोग करके जो है हम कोई डैम तैयार करते हैं या कोई बांध तैयार करते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, अर्थेन डैम कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों बनाते हैं हम जो है, जब भी हमें पर्याप्त मात्रा में कहीं पे मिट्टी उपलब्ध हो जाए, जहां पर हमें डैम का निर्माण करना है, तो वहां पर जो लोकल मटेरियल मृदा पहले से उपलब्ध है, उस मृदा का जब प्रयोग करते हुए हम कोई डैम बनाते हैं, तो कहलाता है क्या, मृदा का बांध। ठीक है, मृदा बांध, तो मेनली ये मृदा का होता है। ठीक है, तो मृदा के जो डैम होता है, इसकी हाइट जो, अगर जो मृदा है अगर हाईली इम्परमेबल है, तो हम इसकी हाइट जो है 200 मीटर तक रख सकते हैं। ठीक है, जो मृदा का बांध होता है उसको 200 मीटर तक हाइट हम रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो सॉइल हम यूज कर रहे हैं वो कितना इम्परमेबल है। परमिलिटी और इम्परमिलिटी मतलब क्या, अपने में से पानी वो जाने दे रहा है कि नहीं जाने दे रहा है। अगर बांध पानी के संपर्क में आएगा, जो कि मिट्टी का बांध है, अगर वो परमिएबल है, यानी कि उसमें पानी जो है फ्लो कर सकता है दीवार से, तो क्या होगा, बांध जो है अनस्टेबल हो जाएगा और बांध क्या हो सकता है, टूट के गिर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम जो है मृदा की बांध जब भी बनाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे क्या, जो बांध है उस बांध की दीवार जो है स्टेबल बनी रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्परमेबल मिट्टी का प्रयोग करेंगे, या मिक्स इस तरह से रखेंगे कि वो जो बांध दीवार बने वो क्या, कैसा हो, इम्परमेबल हो। और जो बांध जो बनाते हैं हम मृदा का, वो क्या होता है, उसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो समलंबाकार हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब मृदा का बांध को बनाने के पीछे जो पर्पज है आपका, कि समलंबाकार बनाते हैं, ठीक है, डैम का यही जो है क्रॉस सेक्शन होता है। अब इसके अलावा जो है पानी के संपर्क में हमेशा रहने से क्या होता है, इसका जो है कटान होता रहता है। ठीक है, तो इनको जो है थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल बना के रखते हैं, ताकि जो है इनका कटान आसानी से ना हो। जब फ्लेक्सिबल हो चुके, उस पानी के जो प्रवाह है, उसके प्रवाह से क्या होगा, उसके जो कटान होगा वो थोड़ी मात्रा उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी कटान की। ठीक है, और उसके अलावा जो पानी है मृदा की दीवार से क्या होता है, डैम के क्रॉस सेक्शन से पानी हमेशा क्या होता है, रिसने का प्रयास करता है। ठीक है, चाहे उसके बेस से, चाहे उसकी दीवार से, जो साइड है उसका। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं, अगर ये मात्रा ज्यादा हो रही है, पोरोसिटी ज्यादा है सॉइल की, तो क्या होगा, वो डैम जो है सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, वो जो है क्या है, घातक है। ठीक है, अब इस चीज से बचने के लिए आगे हम बताएं किस तरह के उपाय किए जाते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ अर्थन डैम है वो क्या होता है, मिट्टी से तैयार किया जाता है, इसलिए जो है इसका कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं अन्य जो कंक्रीट की डैम है उसकी अपेक्षा क्या होता है, या चिनाई की जो बांध है उसकी अपेक्षा जो क्या होता है, इसकी लागत और समय दोनों ही कम लगता है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता क्या है बांध की दीवार की, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चल, आपको जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, जैसे विधि के आधार पे, निर्माण विधि के आधार पे, और जो भी आपका ग्रेविटी डैम मृदा बांध के पूरे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, और कंक्रीट बांध जो भी आपका टॉपिक है, तो एक लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ, अटेंडेंस हम ले लिए। सर नोट्स दे दीजिए, हम भेज रहा हूँ उसको।